डेल्टा वेरिएंट का कहर देखने को मिला है। एसएमएस अस्पताल में डेल्टा वेरिएंट का कहर बरपा है। बिना ब्लैक फंगस के 17 मरीजों की रोशनी चली गई है। खून के थप्पे जमने से मरीजों को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। 40 मरीजों को पैरालिसिस का अटैक भी आया है। एसएमएस अस्पताल में ब्लैक फंगस के 400 मरीज सामने आए हैं। 350 मरीजों का ऑपरेशन हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 17 मरीजों की आंख की रोशनी चली गई, तो बिना ब्लैक फंगस के ही कहर यहां पर डेल्टा वेरिएंट का बरपता हुआ नजर आया। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, कोरोना के बाद ये बड़ी समस्या, जहां पर एसएमएस अस्पताल में डेल्टा वेरिएंट का कहर देखने को मिला है। बिना ब्लैक फंगस के 17 की रोशनी चली गई आंख की। खून जमने से मरीजों को ब्रेन स्ट्रोक की खबरें भी लगातार और समस्याएं सामने आ रही हैं। इन सबके बीच 40 मरीजों को पैरालिसिस का अटैक भी आया है। अभी तक करीब 400 मरीज एसएमएस अस्पताल में आ चुके हैं, जिनमें से करीब 350 के ऑपरेशन हो चुके हैं। सबको अभी एंटी फंगल या एम्फोटेरिसिन भी मिल रहा है, उनका शुगर कंट्रोल किया जा रहा है। तो इलाज तो बेसिकली इन तीन प्रिंसिपल्स पे भी किया जा रहा है। अगर हम बात करें मॉर्टेलिटी की, तो इन 400 में से करीब 17 मरीजों की अब तक किसी ना किसी कारण से मृत्यु हो चुकी है, जो कि देखा जाए तो 50% जो मॉर्टेलिटी मानते हैं वैसे म्यूकर माइकोसिस उससे बहुत कम है अभी। पर अभी अगला 1.5 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा है देखने के लिए असली में कितनी मॉर्टेलिटी रेट यहाँ पर रह रही है। ये भी देखने में आ रहा है कि जो ये नया वेरिएंट है कोविड वायरस का, कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और जिसके उसकी वजह से खून अंदर जम रहा है, उसकी वजह से हो रहे हैं फंगस। कुछ मरीज ऐसे भी आए हैं जिनके की फंगस आँख में नहीं थी, पर उनकी रोशनी चली गई, क्योंकि जो खून की नस जो सप्लाई कर रही है आँख को, जिसको हम सेंट्रल रेटिनल आर्टरी बोलते हैं, उसके अंदर शायद खून जम रहा है। तो खून घूमने बीमारियां हो रही हैं, चाहे आँख में रोशनी जाना या दिमाग में स्ट्रोक होकर पैरालिसिस आ रही है, फंगस और साथ में ही इंटर रिलेटेड चीज़ें हो सकती है डेल्टा वेरिएंट। अध्ययन पाया गया है कि तो 99% लोगों के कोविड रहा है, करीब 87% को डायबिटीज ही है। तो ज़रूरी यह है कि अगर हमें स्टेरॉइड लेना पड़ रहा है कोविड के इलाज में, तो पहले हफ्ते में ना लें, जिस समय ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉडी की इम्यूनिटी बची रहे, और सेकेंड हफ्ते में ही चालू करा जाए स्टेरॉइड, वो भी कम डोज पे लें और जल्द से जल्द उसको बंद करें और सिर्फ अपने ढीने पर ही लें,